हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में, और मैं ज्योति चौहान लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक टॉपिक। देखिए, मेरे पास कुछ रिक्वेस्टेड आ रही हैं, रिक्वेस्ट आ रही हैं कुछ इस तरह की कि क्या पढ़ना है उन लोगों को, उसी रिक्वेस्ट से मैं लेकर आई हूँ। तो क्योंकि यूथ भी चल रहा है, यूथ भी मैं लेकर आऊँगी और ये भी मैं चला रही हूँ, और कुछ पाश्चात्य से भी आई है कि पाश्चात्य कुछ स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, तो पाश्चात्य भी मैं अब लेकर आऊँगी इसके बाद। ठीक, अब हमने मैंने एक शेड्यूल बना दिया है। एक टॉपिक आपका रहेगा और बोर्ड पर एक रहेगा आपका जो यूथ कंपटीशन चल रहा है क्वेश्चन पेपर का, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे ताकि दोनों की जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो चलिए उसी रिक्वेस्ट से मैं लेकर आई हूँ। और फर्स्टली मैं आपको बता दूँ, वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम वैकेंसी कब आ रही है, तो वैकेंसी आ रही है जल्दी, बहुत जल्दी आ रही है। और बैचेस के लिए आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं आर्ट नॉलेज क्लब ऐप पर, बैचेस पेड बैचेस चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, आर्टिस्ट हैं पी एन चोयल। आप जानते हैं राजस्थान के कलाकार हैं, और इनके बारे में फर्स्टली होता है जिस भी आर्टिस्ट को हम पढ़ रहे हैं उनका नाम, पूरा नाम क्या, अगर शॉर्ट नेम लिखा है तो उनका पूरा नाम क्या है। अगर पूरा नेम लिखा है तो ये मत सोचिए कि इनका पूरा नेम तो पहले से लिखा है तो हमें शॉर्ट नेम नहीं जानना चाहिए। अगर उनका पूरा नेम लिखा हुआ है तो शॉर्ट नेम भी ज़रूर जानना चाहिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इनका शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, तो शॉर्ट नेम है इनका पी एन चोयल, पी परमानंद चोयल इनका पूरा नाम है। और इनकी एक प्रसिद्धि है, किस लिए इनकी प्रसिद्धि है, तो कई बार इनसे प्रश्न आता है, जैसे कि एक चीज़ मैंने बताई भी थी कि जिस स्टेट का जो कलाकार है वो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। राजस्थान की वैकेंसीज आप लोगों ने फिल की होंगी, अभी निकली हुई थी, 4 जून लास्ट डेट है, तो आप लोग उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक, उसमें फर्स्ट पेपर भी आता है। परमानंद चोयल को मैं मानती हूँ उसमें हर बार पूछा भी जाता है, और रही बात आपकी यूपी की, तो यूपी में भी पूछा जाता है, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट की प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है कि वो हर स्टेट में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये राजस्थान से हैं तो सिर्फ राजस्थान में पूछे जाएंगे, यूपी में नहीं पूछे जाएंगे, ये दोनों स्टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको इसलिए मैं लेकर आई हूँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ लेते हैं इनके बारे में, जो जहाँ से प्रश्न आता है क्या है वो प्रश्न। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, देखिए फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बताया राजस्थान में फर्स्ट पेपर भी आता है, तो मैथ्स और रीजनिंग का भी मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है, और मैं नहीं पढ़ाऊंगी, सर पढ़ाएंगे। मेरे ऐप पर एक टीम है, से सर हैं, वो सर पढ़ाएंगे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास। जिन लोगों को ज्वाइन करना है तो कॉन्टैक्ट मी। चलिए अब हम देख लेते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार। मैंने एक चीज़ और बताई थी, उनका जन्म और मृत्यु का समय आप ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, परमानंद चोयल, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार। कौन, परमानंद चोयल। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं, इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1924 ईस्वी को, जन्म 5 जनवरी 1924 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक, दिखाई दे रहा है ना सबको, नहीं दिखाई दे तो आप मुझे बता सकते हैं कहाँ हुआ था। मैंने बताया था ये राजस्थान के चित्रकार हैं, तो जन्म हुआ था इनका कहाँ, राजस्थान के कोटा में। राजस्थान के चित्रकार हैं। लाइट नहीं पड़ेगी, लाइट भी मैं हटवा दूंगी, चिंता मत करिए, आगे से आपको लाइट भी नहीं पड़ेगी, जल्दी हटवा देंगे इसको। इनकी प्रसिद्धि देखिए किस रूप में है, इनकी प्रसिद्धि है सबसे पहले एक चित्रकार, फिर नाटककार हैं। ये चित्रकार हैं सबसे पहले, और उसके बाद ये एक नाटककार हैं। अब देखिएगा, इन्होंने एक नाटक का मंचन भी किया था, क्योंकि मैंने लिखवाया एक नाटककार है तो लिख लेंगे नाटक का मंचन किया। चलते फिरते बुद्ध, चलते फिरते बुद्ध, ये इनका नाटक था। 1960 ईस्वी में इन्होंने इसका मंचन किया था, ये हर बुक में आपको मिल जाएगा, इनका प्रसिद्ध नाटक था। इन्होंने शिक्षा ली थी कानू राम शर्मा से, जो इनके गुरु थे कानू राम शर्मा थे, और ये पूछा गया, ये ऐसे ही याद रख लेंगे आप। हर चीज़ को देखिए कोशिश करिएगा
कि लिख के नहीं, कुछ चीज़ें आप ऐसे ही गेन करने की कोशिश कीजिए कि वो सीधे दिमाग में जाए। हर चीज़ को लिखने की आदत मत डालिएगा, सीधे सीधे उसको समझने की कोशिश करिएगा। कानूराम शर्मा से इन्होंने शिक्षा ली थी, उसके बाद देखिए इनको कहा जाता है, मैंने बताया भी था, जो प्रश्न इनसे आता है वो आता है भैंसों के चित्रकार कहा जाता है। देखिए किसी ने इनकी जो प्रसिद्धि है वो एकदम डिफरेंट है, और एक चीज़ ये होती है हमेशा जो कोई काम नहीं करता और अगर उससे हटके आप करें तो आपकी प्रसिद्धि जल्दी हो जाती है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है अगर आप किसी काम को बिल्कुल हटके करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन मैं मानती हूँ बिल्कुल नामुमकिन नहीं रहता है। आप पीएन चॉयल को देख सकते हैं, इन्होंने एकदम ऐसी सीरीज़ बनाई भैंसों के चित्रकार, भैंसों पर चित्रण किया था और उससे ये प्रसिद्ध भी हो गए हैं। ठीक, जल्दी प्रसिद्ध हो गए क्योंकि इस पर, इस तरह के जो चित्रों पर किसी ने काम नहीं किया था, परमानंद चौहान ने इन्होंने काम किया और इन्होंने श्रृंखला बनाई, भैंसों पर इन्होंने श्रृंखला बनाई थी जिसकी वजह से इनको भैंसों के चित्रकार कहा जाता है। लिख लेंगे, कहा जाता है, ये प्रश्न आता है चौहान को भैंसों के चित्रकार। ये आपके यूपी में भी आया हुआ है, दिल्ली में भी प्रश्न ये वाला आता है और राजस्थान में तो आया हुआ ही है। ठीक, भैंसों के चित्रकार, इनकी चित्र श्रृंखला थी परसेप्शन ऑफ उदयपुर, चित्र श्रृंखला परसेप्शन ऑफ उदयपुर, ये इनकी चित्र श्रृंखला थी। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या दिखाया था, इस चित्र श्रृंखला में इन्होंने, आपने देखा होगा कि अब भी आप गांव में जाएंगे तो ऐसा नहीं है, ये इस तरह के मकान प्राचीन काल में ही होते थे, अब भी अगर आप गांव में जाएंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं, कोरोना स्पेशली कोरोना काल के बाद ये चीज़ें दोबारा से आ गई हैं, तो कुछ लोगों के घरों में जो छप्पर होते थे, खपरेल जिनको बोलते हैं, जो ब्राउन कलर की होती थी, तो वो होती थी और उनसे मकान बने होते थे, मतलब वो इतना गरीब होते थे कि छप्पर पड़े होते थे जो भूसे से बना लेते हैं, उसके बाद खपरेल पड़ी होती थी, ऐसे ही जो कच्चे हल्के छोटे घर होते थे, तो उन घरों पर इन्होंने श्रृंखला बनाई थी, परसेप्शन ऑफ उदयपुर श्रृंखला इन्होंने बनाई थी। देखिए एक चित्रकार जो होता है वो ऐसा होता है कि वो बिना कहे अपनी बात को और बयां कर सकता है, अपनी चित्रकारी के माध्यम से कैनवास पर उकेर सकता है बहुत आसानी से। इन्होंने वही सब जो इनकी इमेजेस थी वो सब इन्होंने उतारी अपनी चित्र श्रृंखला के माध्यम से, परसेप्शन ऑफ उदयपुर, और ये इन्होंने जो गरीबी रेखाओं वाले जो लोग थे उनको इन्होंने दिखाया है। देखिए इन्होंने, मैंने यहाँ पर ये लिखवाया भैंसों के चित्रकार, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। पहले इन्होंने श्रृंखला बनाई थी भैंसों पर, श्रृंखला बनाई भैंसों पर, ये इनके कार्य थे। कौन कौन सी श्रृंखला बनाई थी, भैंसों पर बनाई थी 1956 से लगभग 60 के मध्य इन्होंने बनाई थी, 1956 से 60 के मध्य इन्होंने चित्र श्रृंखला तैयार की थी। इनको इस चित्र के लिए राज्य ललित कला अकादमी से सम्मानित भी किया गया था, भैंसों की श्रृंखला के लिए इनको 1960 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा। ठीक, इनके देखिए ललित कला अकादमी ने इनको कम से कम 6-7 बार, इनको 6 बार पुरस्कृत किया था, 6-7 बार नहीं, 6 बार इनको पुरस्कृत किया था, 1960-61 इस तरह से इनको 6 बार ईयर एनुअली मतलब इनको सम्मानित किया गया था। अब इनके इसको लिख लेंगे, मैं पुरस्कार लिखवा देती हूँ, इस चित्र श्रृंखला के लिए अच्छा नीचे थोड़ा सा आ गया है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ इसको मिटा, इस चित्र श्रृंखला के लिए इनको राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा, राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा सम्मानित किया गया,
कब मैंने बताया था 1960 ईस्वी में। थोड़ा लाइट पड़ गई, मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ताकि आप लोगों की शिकायतें ना आए, क्योंकि आप लोगों की शिकायतों का पिटारा बड़ा हो जाता है। कब 1960 ईस्वी में, मैंने लिखा हुआ है 1960 ईस्वी, कब पुरस्कृत किया गया था, 1960 ईस्वी में इनको पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा इनके कुछ चित्र मैं लिखवा देती हूँ, जो जो चित्र हैं इनके, जैसे भैंसे, वुमन, भैंसे तो मेन है, वुमन, खिड़कियां, उदयपुर, धरती की मिट्टी, उदयपुर, धरती की मिट्टी, और इनके चित्र देखेंगे, थके पथराए चेहरे, टूटती दीवारें, थके पथराए चेहरे, टूटती दीवारें, मेहराब छतरियां, कोहरे झिल्लियां, ये सब इन्होंने इस तरह के चित्रों को चित्रित किया था। इनकी मृत्यु हो गई थी, आप देखेंगे मैंने लिखवाया है 2012 में, 31 अगस्त 2012 में कहाँ हुई थी, उदयपुर में हुई थी। कई बार क्या होता है, वो जन्म स्थान पूछ लेगा, मृत्यु स्थान पूछ लेता है, ठीक, जैसे अमृता शेरगिल से मृत्यु स्थान ज़्यादा पूछा जाता है। तो सन तो आप लोगों का मैंने लिखा है, अगर आपको थोड़ा सा जैसे स्थान में क्या होता है कि आप लोगों ने जहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं, अब जब आप लोग उनका रिविज़न करते हैं लास्ट में, तो आप लोग मेन मेन चीज़ों को फोकस करते हैं। अब डिटेल में इतना सारा लिखा हुआ है, तो मेन मेन चीज़ों पर फोकस कैसे किया जाए। तो जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर यहाँ पर लिखवा दिया है जन्म और मृत्यु का समय, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, जन्म और मृत्यु के समय के साथ साथ स्थान भी लिख लेंगे। सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता देती हूँ, ऐसे करके ऊपर लिख लीजिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। जन्म, और जैसे मैंने यहाँ पर लिखवा है 1924, कहाँ पर, राजस्थान के कोटा में, ठीक, यहाँ पर ऐसे मृत्यु, और यहाँ पे आप लिख लेंगे कहाँ, 2012 कहाँ पे, उदयपुर में, ठीक, इस तरह से आप कर लेंगे। तो जब आप पेपर पलटते हैं लास्ट में, रिवीजन करते हैं, या पेपर नहीं भी पलटते हैं लास्ट में, या फिर जैसे आप किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, आप नोटबुक ओपन करते हैं, आपको कहीं ना कहीं तो ध्यान जाता है किसी ना किसी चीज़ पे, जब खुला है तो जन्म स्थान पे ध्यान जाता है। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ हुई होगी एक घटना, कि आप लोग कहते हैं कि अरे ये तो मैंने लास्ट में ना, मैं पेपर खोल रहा था तो मैंने देख लिया, तभी उसी से मेरा ये आंसर सही हो गया, लास्ट में देख लिया तो पता चल गया कि मैं किसी और चीज़ को ढूंढ रहा था, मिल गई ये वाली चीज़। तो कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं ऊपर आपको हाईलाइट वाली जो चीज़ें हैं वो लिखवा देती हूँ। आप लोग भी ऐसा करिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा, एटलीस्ट मैं मानती हूँ एक या दो नंबर का तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट्स करके, फर्स्टली कि आप लोगों को इसके बाद पाश्चात्य में पढ़ना क्या है। मैं वहीं से पाश्चात्य का टॉपिक मैं लेकर आती हूँ, और आपका जो है यूथ मैं चला ही रही हूँ, साथ साथ यूथ पर भी मैं लेके आती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।